बहुत खास है। अब जो जो ये जो टॉपिक है, मीडिया बयानियां नहीं बनाता, ना मीडिया का ये काम है कोई बयानियां बनाने का, ना मीडिया का ये काम है कोई एजेंडा सेटिंग का। मीडिया का काम, वाहिद काम ये है कि चीजों को उसके सही पर्सपेक्टिव में लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि लोग आपके ओपिनियन पर अपना ओपिनियन बनाते हैं, लोग आपकी राय का एहतराम करते हुए अपनी राय बनाते हैं, लोग ये समझते हैं कि शायद आप उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप ज्यादा लोगों से, हुकूमतों से, ऑपोजिशन से, मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनसे ज्यादा करीब हैं, तो आप जो बात करेंगे उस बात, वो बात तस्दीक शुदा होगी। अब अगर हम तस्दीक शुदा बात ना करें और अपनी ज़हनी इर्तका के मुताबिक या किसी एक ख़ास जमात, ग्रोह, इदारे का माइंडसेट जो है वो बयानिए के तौर पे पेश करें, तो फिर आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं और आप सही लोगों को नहीं बता रहे, जो कि सबसे ज़्यादा सियासत साफ़ी बदयानती है कि अगर आप लोगों को हकायक नहीं बता रहे। क्योंकि आपका काम ये नहीं है कि आप ये पोजीशन लें या दूसरी पोजीशन लें, आपकी पोजीशन सिर्फ वाहिद ही होनी चाहिए कि आप लोगों को हकायक बताएं। वो हकायक जो है वो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए अच्छे हों, कुछ लोगों के लिए ख़राब हों, लेकिन हकीकत यही है, ये आपको और उस दलील के पीछे आपके पास सबूत होना चाहिए। एक 2009 में जो एक टेलीविज़न चैनल ने खबर चलाई, क्योंकि उसी ज़माने में जजेस की रिस्टोरेशन हुई थी, जो जजेस इफ्तिखार चौधरी और ये सारे जजेस जो है जो बहाल हुए थे, 2009 के बीच था या 10 का शुरू था, 10 तो उन्होंने ये खबर चलाई कि जजेस की डी नोटिफिकेशन होने वाली है। उसका नतीजा ये हुआ, वो खबर सुबह के करीब या उसमें चली और उससे स्टॉक एक्सचेंज क्रश कर दी, और उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ, 7 से 11 बजे वही शो हुआ, उसी पर शो हुए, बहुत से एंकर्स आए, उन्होंने अपने अपने उसका किया। गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसी ये खबर दुरुस्त नहीं है, लेकिन जजेस जो थे उनको ये यकीन नहीं था कि यह खबर दुरुस्त नहीं, क्योंकि एक टसल रही थी, एक कॉन्फ्लिक्ट रहा था। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को फिर ऑफिशियली एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा, उसके बाद एक कमीशन बना, उस कमीशन की सरबराही हमीद हारून साहब ने की, उसमें तमाम और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लोग और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के सब थे उसमें। उसमें उन रिपोर्टर को भी बुलाया गया, उस रिपोर्टर को भी, तो उसने कहा कि मैं अपना स्पोर्ट्स तो नहीं बताता, तो उस पर यह कहा गया आपसे स्पोर्ट्स नहीं पूछ रहे, लेकिन अब अगर जिस के बारे में आपने खबर दी उसने तो डिनाई कर दी है, अब उस खबर को साबित करना आपका काम है। ये सिर्फ ये आप नहीं कह सकते कि जी मैं अपनी स्पोर्ट्स नहीं बता सकता। अगर कोई फरीद, दूसरा फरीद आपको अदालत ले जाए, तो अदालत तो आपसे सबूत मांगेगी, आपसे स्पोर्ट्स नहीं मांगेगी, कहेगी सबूत तो दें, इस खबर की तस्दीक कैसे की आपने इसमें। तो फिर उस कमीशन की फाइंडिंग्स में एक लाइन थी, एनी न्यूज ऑफ सेंसिटिव नेचर हैज टू बी डबल सोर्स्ड, और जो बाहर की न्यूज एजेंसीज हैं उसमें खास तौर पे ये इंस्ट्रक्शन होती है कि सबसे अच्छी बात आपकी खबर को जो वजन देती है वो ये कि आपका जो कोट हो सोर्स वो कोटेड हो, यानी वो सोर्स का नाम हो, उस सोर्स का जो आपको खबर दे रहा है, जो आपको कोट दे रहा है, खबर नहीं, जो आपको अगर नहीं किसी वजह से वो नहीं दे सकता आपका नाम, तो ये याद रखें कि अगर आप उसे इन्फॉर्म सोर्सेज कह रहे हैं, बाखबर ज़राए कह रहे हैं, ये सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन कल दूसरा फरीक अगर आपको अदालत ले जाएगा तो खबर को साबित करना आपका काम होगा, उसका काम नहीं होगा खबर को साबित करना। हमारे यहाँ ओवर द ईयर्स जो है वो रियासती बयानियाँ जो है मीडिया को कंट्रोल करके रियासती बयानिया को आगे बढ़ाया गया, इसकी सबसे बड़ी पिछले 75 साल में मिसाल है कौमी मफाद। अब ये कौमी मफाद जो है ये बड़ी रेलिवेंट सी टर्म है,
मेरे नज़दीक अगर मुल्क में मार्शल ला लगता है तो वो कौमी मफाद के खिलाफ है। जो लोग मार्शल ला लगाते हैं वो मार्शल ला लगाने को कौमी मफाद कहते हैं। तो अब आपको अपनी दलील देनी है, उनको अपनी वजाहत करनी है। आपकी दलील कितनी मजबूत है और दलील के पीछे आपके पास शवाहिद कितने हैं कि ये जो इकदाम है ये कौमी मफाद के खिलाफ है, और उनको ये साबित करना है कि अगर उन्होंने आईन को तोड़ा है तो उसकी वजूहात क्या है। तो ये जो ओवर द ईयर्स ये हुआ कि 1954 में डॉन के एडिटर थे अल्ताफ हुसैन साहब, बहुत क़याम पाकिस्तान से पहले वो मुस्लिम लीग के बड़े मुतहरिक थे, लेकिन उन्होंने वो अखबार की अखबार के एडिटर वाइज वो बहुत स्ट्रॉन्ग एडिटर थे। उनको 1954 में ये पैगाम दिया गया कि डॉन अखबार में बहुत से सहाफ़ी जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्ड होल्डर हैं, तो आप इनसे पीछा छुड़ाएं। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद बहुत एंटी कम्युनिस्ट हूँ और मुझे पता है कि बहुत से इसमें काम करने वाले लोगों का रुझान जो है कम्युनिज्म की तरफ है और छोटे कार्ड होल्डर भी हैं, बट ही सेड दे आर ऑल वेरी कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट, वो अपने काम में बहुत सिंसियर हैं, उन्होंने अपनी सियासी सोच जो है वो अपने काम में नहीं लेकर आए, वो तो मैं उनको किस बुनियाद पर निकालूँ। किसी भी आदमी का, किसी भी जर्नलिस्ट का ताल्लुक या रुझान किसी भी सियासी जमात से हो सकता है, लेकिन मैं अगर वो अपने काम में वो चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है तो अलग बात है, लेकिन अगर वो अपने काम के साथ सिंसियर है तो आप उसे नहीं निकाल सकते। ये अलग बात है कि अल्ताफ हुसैन साहब ने बाद में अय्यूब काबीना में शमूलियत इख्तियार कर ली और उन जर्नलिस्टों को निकाला गया, उनको गिरफ्तार भी किया गया, उनमें से कुछ लोगों को सजाएँ भी हुईं, जिसमें पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो बानी थे एम ए शकूर साहब, वो डॉन के पहले रिपोर्टर था, वो भी जेल गए, फिर वो उनको जो है मुल्क छोड़ना पड़ा उसमें। तो ऐसे बहुत सी मिसालें, तो जो रियासती बयानिया है उसको सहाफ़ियों के लेवल तक बहुत उसको रिजिस्ट किया गया, क्योंकि रियासत का बयानिया जो है, और ए पी चौधरी साहब बहुत नामवर एडिटर थे, पाकिस्तान टाइम्स में भी रहे, फिर बाद में मुस्लिम अखबार में भी रहे। तो जब मुस्लिम अखबार उन्होंने ज्वाइन किया, दी मुस्लिम इस्लामाबाद से बहुत अच्छा अखबार था, तो उसकी पॉलिसी बयान करते हुए उन्होंने कहा कि सहाफ़ी का ये काम नहीं है कि हुकूमत को प्रोजेक्ट किया जाए, सहाफ़ी का काम ये है कि हुकूमत अगर अपने आप को परफेक्ट कहती है तो हमें हमारा काम यह है कि उसे बताया जाए कि यू आर नॉट परफेक्ट, और उसमें सहाफ़ती तकाजे पूरे होने चाहिए। और इसीलिए कहते हैं कि गवर्नमेंट और जर्नलिस्ट एडवर्सरीज होते हैं। हमारे यहाँ बहुत पिछले चार पांच दिहाइयों में हुआ ये है कि सहाफ़ी बहुत ज़्यादा हुकूमतों से और पार्टियों से करीब होते चले गए। एक आपका होता है कि कॉन्टैक्ट, अगर आपके कॉन्टैक्ट नहीं है तो यू विल नेवर बी अ गुड रिपोर्टर अगर आपके पास अच्छे कॉन्टैक्ट, लेकिन अच्छे कॉन्टैक्ट और रिलेशनशिप में फर्क होता है। अगर आपने उसके खाने खाने शुरू कर दिए, अगर आप उसके घर जाना शुरू हो गए, अगर आपका ताल्लुक रिपोर्टर से ज़्यादा एक दोस्त की हैसियत से हो गया, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है उसके खिलाफ कोई खबर देना। आपका हमेशा एक क्रिटिकल व्यू रहना चाहिए, या किसी को आप ब्लैकमेल करते हैं खबर की बुनियाद पर। तो हमारे यहाँ हुआ यही कि बहुत ज़्यादा करीब होते चले गए उसमें, और उसका नतीजा ये हुआ कि पोलराइजेशन मीडिया में आई उन सहाफ़ियों की, जो हर दौर में जो है उन्होंने दरबारी का रोल अदा किया हर उसकी, और जो बयानिए की बहुत बड़ी मिसाल है वो ये कि जब 77 का मार्शल्ला लगा तो उसके बाद जनरल ज़ियाउल्लाह ने 90 रोज में इलेक्शन कराने का वादा किया, तो जब वे इलेक्शन के करीब थे तो पाकिस्तान के 5 या 6 नामवर
जो कॉलम नबीज थे जिनमें मुजीब रहमान शाही साहब शामिल थे, जिनमें मुस्तफा सादिक साहब शामिल थे, जिनमें मोहम्मद सलाहुद्दीन शामिल थे और भी चार पाँच तीन चार अल्ताफ हुसैन कुरैशी साहब शामिल थे, ये सब के सब जनरल ज़ियाउल्लाह के पास थे और उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन कभी करवा कर दें। तो जनरल ज़िया ने कहा कि अच्छा, वो लाहौर में मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग के पीछे पीछे शीशा लगा हुआ, तो उसके पीछे जो है वो बेगम नुसरत भुट्टो का जलसा होगा। तो उन्होंने ये कहा कि ज़ियाउल्लाह ने कि मैंने वादा किया है तो राय आम्मा क्या कहेगी। उस पे उनमें से किस एक ने कहा कि राय आम्मा तो वो है जो शीशे के पीछे थे, लेकिन अगर आप इलेक्शन मुलतवी कर देंगे तो राय आम्मा हम बना देंगे। तो पाकिस्तान में सहाफियों में ऐसे सहाफी भी शामिल हैं जिन्होंने इस तरह बयानिया बनाया है कि ज़ियाउल्लाह को बहुत जो है ऐसा वो बना के पेश किया, उसके हर गलत इकदाम को सपोर्ट करते रहे और दूसरी तरफ उनकी पूरी कोशिश थी कि भुट्टो को ये साबित करें कि ये मुसलमान भी नहीं। ऐसी चीज़ें छपी हैं रिसालों में, लेकिन अल्टीमेटली अवाम का बयान ही अपना होता है। और भुट्टो फांसी के बाद भी अपने कई पीपुल्स पार्टी कई साल तक के नाम पे सियासत करती थी, आज भी कर रही है, लेकिन उस वक्त तो बहुत ज़्यादा हुई सियासत। इसी तरह दहशतगर्दी और उसका बयानिया, रियासती बयानिया 80s में कुछ और था, 9/11 के बाद कुछ और था, और मीडिया उसी बयानिए के साथ खेलता रहा। ना उस वक्त इस चीज को क्वेश्चन किया गया कि जी जो रूस के खिलाफ जिहाद हुआ वो अमेरिका के कहने पर हुआ, और जब उनको दहशतगर्द कहा गया वो भी अमेरिका के कहने पर कहा गया। तो अपना रियासत का अपना भी कोई बयानिया नहीं था, लेकिन जो भी रियासत का बयानिया था पाकिस्तान के मीडिया ने उसको उसी तरह प्रेजेंट किया, मसवाए कुछ अखबार के कुछ सहाफियों के जिन्होंने इसको चैलेंज किया, उस वक्त भी चैलेंज किया था, इस वक्त भी चैलेंज किया था कि आप पाकिस्तान को खतरे में डाल रहे हैं। उस वक्त भी खतरे में डाल रहे थे, अब भी खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि आप देखें कि पूरे आलम इस्लाम और किसी मुल्क की ये सूरत हाल, किसी मुल्क को ये सूरत हाल का सामना नहीं करना होता। अब पाकिस्तान का जो मीडिया है वो बहुत वाइब्रेंट मीडिया है, उसके अंदर बड़ी जिंदगी है, उसके जिंदगी के बहुत से मुख्तलिफ पहलू हैं, उसमें राइट विंग पहलू भी है, उसमें लेफ्ट विंग पहलू भी है, उसमें डेमोक्रेटिक पहलू भी है, बहुत से हमारे जो मजहबी जमातों के स्कॉलर थे वो एक ज़माने में टेलीविजन को बिल्कुल मुस्तरद करते थे। मुझे आज भी याद है हाफिज सईद साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बिल्कुल शुरू शुरू में मैं गया था तो उन्होंने फोटोग्राफर्स को अलाउ नहीं किया था कि नहीं वो, लेकिन बाद में उनके अपने अंदर वो कहते थे कि बाद में हमारा जो इज्तिमा होगा उसमें इस पर बहस हुई कि जी अगर हम इस आज की टेक्नोलॉजी से हट जाएंगे पीछे तो फिर हम अपना मौकिफ कैसे पेश करेंगे, अपना बयानिया कैसे पेश करेंगे। फिर उन लोगों ने उसको इफेक्टिवली यूज किया, जिसकी उसमें आप देखें कि सवात में मुल्ला फजलुल्लाह का रेडियो ने पूरा सवात के कल्चर को तब्दील कर दिया। तो कितना इफेक्टिवली आप यूज करते हैं, आज ये सोशल मीडिया का मसला है, सोशल मीडिया एक बड़ा टूल है आपके बयानिए को तब्दील करने का, और ये बड़ा चैलेंज है क्योंकि आपको मिनटों में सेकंडों में हजारों की तादाद में इंफॉर्मेशन आ रही होती है, लेकिन ये आपका काम है कि वो इंफॉर्मेशन दुरुस्त है कि गलत है, इसको वेरीफाई करना ये जर्नलिस्टों का काम है। आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ गई है, अब आपने इसकी ऑथेंटिसिटी इस्टेब्लिश करना, ये वीडियो आपके पास आ गई है, ये कोई ऑडियो आपके हाथ लग गई है, लेकिन ये वॉइसेस जो हैं ऑथेंटिक है या नहीं, क्योंकि जो हैकर्स हैं वो बहुत खूबसूरती से चीजों को होल्ड कर सकते हैं, तो वो आसान नहीं होता उसके लिए। इसलिए जर्नलिज्म की बड़ी फेमस सेइंग है, इफ इन डाउट लीव इट आउट,
क्योंकि अगर आपके जहन में डाउट है तो आप सोचें कि व्यूअर के जहन में कितने डाउट्स आएंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि चीजों को उसके सही पर्सपेक्टिव में बयान किया जाए उसमें, और उसमें बहुत डिफिकल्टी होती है। बाद अकार जहाँ बलूचिस्तान के लोग मौजूद हैं, बलूचिस्तान और कराची दो बड़ी क्लासिकल एग्जांपल हैं जहाँ सिर्फ रिपोर्टर्स मुश्किल में नहीं रहे, डेस्क पे जो लोग काम करते रहे उनको बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार था। उन्हें ये कहा जाता था कि प्रेस रिलीज को प्रेस रिलीज के तौर पर नहीं आपको करना, आपने स्टाफ रिपोर्टर के तौर पर शाया करना है। आपने जो है वो बाकायदा बाराकार की कहा जाता था कि आप अपनी बाईलाइन दीजिए, खबर पूरी वर्बेटम कोई होती थी जो ऑर्गेनाइजेशन भेजती थी, चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे वो तहरीके तालिबान हो, चाहे वो लश्कर जंगवी हो या जफाज़े फताह जाफरिया हो, इनके जो विंग्स होते थे या आपको खबरें भेजते थे, आपको एज इट इज छापना पड़ता था, जाहिर है आपकी जिंदगी को खतरा होता था। तो इसी वजह से बलूचिस्तान के 9 अखबारात पर सिडिशन का केस बना, और जब वो केस बलूचिस्तान हाईकोर्ट में गया तो ये जो एडिटर्स थे उन्होंने ये पोजीशन ली बात की कि हम भी कोई अपनी खुशी से ये खबर नहीं छाप रहे, हमें तो ये भी बताया जाता है कि आप ये खबर फ्रंट पेज पे छापेंगे, इतने कॉलम छापेंगे। ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं। तो जो मीडिया का बुनियादी काम है, जर्नलिज्म हैज़ टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, ये नहीं कि लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर आप उस बयानिए पे चल पड़े कि लोग क्या चाहते हैं और उसी अंदाज में आप चीज़ों को पेश करें तो लोग तो बहुत सी चीज़ें चाहते हैं जो आप नहीं दे सकते। आपने लोगों को गाइड करना है और गाइड इस अंदाज में करना है कि आप कोई अपना ओपिनियन तो आप आर्टिकल्स कॉलम्स में दे सकते हैं, लेकिन खबर में ओपिनियन नहीं आता, खबर में आपका पर्सनल ओपिनियन नहीं आता। जो श्रीलंका का, क्योंकि तो मैं श्रीलंका जा चुका हूँ फैक्ट फाइंडिंग मिशन में, जब वहाँ बहुत ज़्यादा ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था सेनालीज और तामिल के दरमियान, और इस हद तक था कि जब हम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से गए वहाँ, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम गए तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिनालीज जर्नलिस्ट एक तरफ बैठे हुए थे, तामिल जर्नलिस्ट दूसरी तरफ बैठे हुए थे उसमें। तो उस जमाने में एक एडिटर, एक वहाँ वीकली निकलता था संडे लीडर, उसके जो एडिटर थे विक्रम सिंगा इस तरह का नाम था उनका, वो संडे को निकलता था अभी उसने, फ्राइडे को उन्होंने अपना एडिटोरियल लिखा और उस एडिटोरियल का उन्वान था व्हेन दे केम फॉर मी, और वो एक जर्मन पोएट की उन्होंने वो फ्रेज ली थी और उसको उन्होंने बिल्कुल आखिर में लिखा था कि when they came for Muslim I did not speak because I was not a Muslim, when they came for Jew I did not speak because I was not a Jew, when they came for Christians I did not speak because I was not a Christian, but when they came for me no one speak for me। तो और उन्होंने उस वक्त का जो श्रीलंका का सदर था वो उनका कॉलेज के ज़माने का दोस्त था, तो उन्होंने उस पूरे उसमें अपने वो आइडियल्स बयान किए कि हम जब साथ कॉलेज में एक्टिविटी करते थे तो हमारे आइडियल्स क्या थे, फिर तुमने अपना पाथ चुना, मैंने अपना पाथ चुना, आज तुम खुद सोचो कि तुम उस पाथ से किस हद तक हट गए हो, मैं उन्हीं प्रिंसिपल्स पर आज भी खड़ा हूँ। और फिर लिखा उसने कि मुझे पता है कि मुझे मार दिया जाएगा, और मुझे ये भी पता है कि मुझे और तुम्हें दोनों को ये पता है कि मारने वाला कौन होगा, मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे मारने पर बहुत शदीद मजम्मत करोगे, लेकिन हम दोनों को पता है कि ना तुम बोलोगे मेरे लिए। ये उसने लिखा, ये एडिटोरियल लिखकर वो दफ्तर से बाहर निकला और मार दिया। और फिर संडे लीडर ने उस संडे उसका वही जो है कॉलम है वो उसका
छापा। तो इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं लोगों को, अभी जो आप क्या हुआ, अरशद शरीफ वाला वाकया हुआ। अरशद शरीफ की सहाफत पर दो राय हो सकती है कि वो किस बयानिए के साथ जा रहा था, वो बयानिया दुरुस्त था या नहीं था, लेकिन वो मारा अपने काम की वजह से गया। अब तक की जो सूरत हाल सामने आई, क्योंकि उसकी बुनियादी चीज यहां से ही होती है कि वो मुल्क छोड़ के क्यों गया, उस पर 16 मुकदमात क्यों बने। अगर उसके खिलाफ कोई केस था तो उस केस में उसको गिरफ्तार करते, उसके खिलाफ केस चलाते, उसे सजा हो जाती। ये जो थ्रेट परसेप्शन है सहाफियों के हवाले से, बहुत से सहाफी हमारे ऐसे भी मारे गए हैं जो अपने जाती वजूहात से मारे गए, लेकिन बेशुमार सहाफी अपने काम की वजह से मारे गए उसमें। और किसी भी सहाफी की के कत्ल की सही तहकीकात नहीं हुई, उसके सही कातिल नहीं पकड़े गए और मुकदमात आगे नहीं बढ़े। और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। अगर इंटीरियर में, रूरल एरियाज में जर्नलिस्ट मारे जाते हैं तो उन सहाफियों की फैमिलीज के लिए बहुत मुश्किल होता है कि रेजिस्ट करें। नाज़िम जोखियों का केस हमारे सामने है, अजीज़ मेमन का केस हमारे सामने है, इसी तरह बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब हमारे सामने है केसेस। बलूचिस्तान में तो सबसे ज्यादा मारे गए, पिछले 10 सालों में 44 मारे गए। बलूचिस्तान में कभी दर्ज नहीं किया गया। फिर एक केस जिसमें उसमें सजा हुई, वो वली खान बाबर वाला केस था, लेकिन उसके लिए भी उससे रिलेटेड 7 दूसरे कत्ल हुए उसी मुकदमे से रिलेटेड, और उनको सजा कराची में नहीं हुई, इंटीरियर में उस मुकदमे को ट्रांसफर करना पड़ा और वहां सजा हुई। डैनियल पर्ल के केस में जो लोग 20 साल तक जेलें काट कर, जिन्हें बरी किया गया, वो अपने उसी गेस्ट रूम से बाहर नहीं आ सकते, वो आजाद हैं लेकिन आजाद नहीं है। तो पाकिस्तान में रियासती बयानिए को पाकिस्तान के मीडिया ने ज्यादा प्रोजेक्ट किया और अवामी बयानिए को प्रेजेंट नहीं किया। इसीलिए आप देखें कि आपके अखबारात में, टेलीविजन में, सोशल मीडिया में समाजी इश्यूज डिस्कस नहीं होते हैं। ये डिस्कस नहीं होता कि पॉपुलेशन का पड़ाव सही है या गलत है, ये डिस्कस नहीं होता कि तालीम के मेयार को हम कहाँ खड़े हैं, ये डिस्कस नहीं होता कि सेहत की सहूलतें कितनी हैं। आज पिछले 5-6 महीने से ये तो डिस्कस हो रहा है कि मुल्क में आम इंतखाबात हों तो कब हों, ये डिस्कस हो रहा है कि किस तरह कोई इख्तदार में आए और किस तरह कोई इख्तदार बचाए, लेकिन ये डिस्कस नहीं हो रहा कि लाखों लोग जो सैलाब में मुतासरीन हैं, सैलाब के मुतासरीन हैं, और इस सर्दी में उनका जो हाल होगा, ये आपका मौजू नहीं है। कहीं आपको 4th, 5th, 6th नंबर पर वो खबर कोई मिल जाए तो मिल जाए। तो हमने बहुत बड़ी गलतियां की, इसके बावजूद कि पाकिस्तान का मीडिया, ये याद रखें कि पूरी इस्लामिक कंट्री, सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहां आपको एक वाइब्रेंट मीडिया मिलेगा, बाकी जगह तो आप इजारे राय का तस्वुर ही नहीं कर सकते। और वहां तो अगर कोई कई साल पहले की बात है, खलीज टाइम्स में एक तस्वीर छप गई थी, एक गाड़ी में अचानक आग लग गई थी, उसकी तस्वीर छप गई थी, लेकिन उस तस्वीर के पीछे महल नजर आ रहा था, शाही महल नजर आ रहा। उसकी वजह से उस फोटोग्राफर के लिए मुश्किल हो गई थी दुबई में रुकना, इतना ज्यादा दबाव आया था। तो ये जो मतलब इस लिहाज से आप अपने आप को खुशकिस्मत कह सकते हैं, किसी हद तक हमें कतर में नजर आता है, किसी हद तक अल जजीरा को बंद करने की बड़ी कोशिश की गई इस्लामी कंट्री की तरफ से, अरब ममालिक का बहुत दबाव था, लेकिन अल जजीरा ने स्टैंड लिया, और अल जजीरा अंग्रेजी जो है वो इस वक्त CNN और BBC को कम्पीट कर रहा है। तो ये जो पाकिस्तान के मीडिया का आज सबसे बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान मीडिया इतना, पहले तो सिर्फ अखबारात होते थे, लेकिन उसके अखबारात के जो एडिटोरियल्स होते थे,
वो इतने ताकतवर होते थे और इतने ज्यादा जामे होते थे, या उसमें जो स्टोरीज छपती थी वो इतनी जामे होती थी कि वो हुक्मरानों को हिला के रखते थे। आज हजारों की तादाद में सहाफी हैं, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रीच उनकी करोड़ों में है, लेकिन कोई नोटिस नहीं लेता, इसलिए कि क्रेडिबिलिटी क्राइसिस आ गया है। उस वक्त जो जर्नलिस्ट लिख रहा होता था उसके नाम के साथ उसकी क्रेडिबिलिटी होती। डॉन में आज भी वो रिवाज कायम है जो कायदे आजम ने सेट की थी, कि कायदे आजम ने जब डॉन निकाला था तो डॉन पहले वीकली हुआ करता था। 1938 में पहली मर्तबा ये तय हुआ कि वीकली से डेली डॉन कर दिया जाए। तो उस वक्त कायदे आजम ने एक एंग्लो इंडियन को अपना एडिटर मुकर्रर किया जिसका नाम था पोर्टन जोसेफ। तो मुस्लिम लीग के बहुत से लोग इस पर परेशान हुए कि, और क्योंकि मुस्लिम लीग की तहरीक शुरू होने वाली थी या शुरू थी मुस्लिम लीग की तहरीक, लेकिन पाकिस्तान की तकमील का मरहला आ रहा था, तो लोग बड़े परेशान हुए कि एक एंग्लो इंडियन जिसका टिल्ट टुवर्ड्स कांग्रेस यानी उसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव वो था, उसको कायदे आजम ने एडिटर क्यों बनाया। तो बहुत से मुस्लिम लीग के लोगों ने उनसे जाके पूछा, तो कायदे आजम ने कहा कि इस आदमी ने इन हिंदुस्तान के 38 पेपर्स को एडिट किया है और जिस जगह ये नौकरी करने जाता है इसकी जेब में इसका रेजिग्नेशन होता है, और किसी ने इसको इस वजह से नहीं निकाला कि उसने कहीं भी कांग्रेस या उसके हवाले से बोला। तो मैंने इसको इसलिए एडिटर बनाया कि मुझे पता है कि ये इस मामले में कभी भी कोई डंडी नहीं मारेगा। पाकिस्तान बनने के बाद एडिटर का इंस्टीट्यूशन जो है वो डॉन में आज भी उसी तरीके से, आप बहुत कम देखेंगे एडिटर डॉन को कहीं किसी फंक्शन में। वो मियार जो जजेस के लिए भी था कि जजेस पब्लिक में इंटरेक्ट ना करें, वो मियार एडिटर के लिए भी कि एडिटर जो है, क्योंकि अगर आप पब्लिक फंक्शन वगैरह में जाना शुरू करेंगे तो आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, आपकी दोस्तियां बढ़ सकती हैं, वो दोस्तियां अखबार में, यानी डॉन में जब एमक्यूएम वालों ने डॉन पर अटैक किया था तो एडिटर के कमरे में घुस के उन्होंने बाकायदा एडिटर को गालियां दी, दूसरे दिन डॉन में वो खबर नहीं चली। जब अहमद अली खान एडिटर थे डॉन के, जब उनसे लोगों ने पूछा कि आपने वो खबर क्यों नहीं दी डॉन पर अटैक, उन्होंने कहा अगर वो मेरे कमरे में आके मुझे गालियां नहीं देते तो ये खबर जरूर छप, लेकिन अगर मैं उसके बावजूद खबर छापता तो लगता कि मैंने अपने ऊपर हमला हुआ इसलिए ये खबर दी। तो एथिकल ग्राउंड्स जो हैं वो हमारे यहाँ बाय एंड लार्ज खत्म हो गए हैं बाकी अखबार में, क्योंकि मालकान एडिटर्स हो गए हैं, उस तरह की वो हर जगह आपको नजर आएगा, एडिटर्स घूमते हुए फंक्शंस में नजर आएंगे, दोस्ती यारी में नजर आएंगे, पॉलिटिकल फंक्शंस में नजर आएंगे। तो वो जो एडिटर का एक मेयार होता था वो खत्म हो गया। तो अगर आपका बॉस जो है वही कॉम्प्रोमाइज हो तो वो इन्फ्लुएंस जो है वो नीचे तक चला जाता है वो इन्फ्लुएंस, और यही पाकिस्तान की मीडिया के डिक्लाइन की सबसे बड़ी वजह है कि एडिटर का इदारा खत्म हो गया। एडिटर का इदारा खत्म हो गया तो इदारत खत्म हो गई, और वो आपको नजर आता है, आपको वो टिकट्स में नजर आता है, उसमें अल्फाज की गलती नजर आती है उसमें। और बहुत ही लाइटर नोट पे मैं ख़त्म करता हूँ कि मैं जब कराची प्रेस क्लब का 89 में सेक्रेटरी था तो दो लोग मेरे पास दफ्तर में आए, उनका ताल्लुक ISPR से था, और उन्होंने कहा कि हमें प्रेस क्लब की मेंबरशिप चाहिए। उन्होंने अपना तारुफ यही कराया, ये लेफ्टिनेंट वो है मैं कैप्टन हूँ। तो मैंने कहा एक तो मैं आपकी ऑनेस्टी की आपको दाद देता हूँ कि आपने अपनी आइडेंटिटी छुपाई नहीं, लेकिन मैं मेंबरशिप नहीं दे सकता इसलिए कि हमारा आईन इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन फिर उससे गपशप होती रही तो मैंने उससे पूछा आप चाहते क्यों है मेंबरशिप। तो ये 89 का बात थी, बेनदीर वापस आ गई थी, गवर्नमेंट बन गई थी,
तो उन्होंने कहा देखिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं, तो प्रेस क्लब के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों के सदूर आते हैं, लीडर्स आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, उसकी हमें इतला उस तरह नहीं पहुँचती। तो मैंने कहा आपके बहुत से लोग होंगे अंदर जो आपके इन्फ्लुएंस में होंगे। तो जो जुमला उन्होंने कहा वो पाकिस्तान की मीडिया के लिए आई होता, उन्होंने कहा हाँ जी बहुत सी कॉपियाँ मिलती हैं वो अच्छी नहीं होती। वो ये चीज़ें हमारे यहाँ रही हैं, और इसकी वही मैंने कहा कि इसकी बुनियादी वजह ये है कि जब मालिक कॉम्प्रोमाइज हो जाए, जब मालिक खुद एडिटर बन जाए, मार्केट जो है वो हावी आ जाए, कमर्शियल और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट जो है वो इन्फ्लुएंस कर जाए, तो फिर अवामी बयानियाँ कहीं ना कहीं हो जाता है। और यही पाकिस्तानी मीडिया के साथ हुआ कि इतनी एक्सप्लोरेशन के बाद, और ये सिर्फ यही नहीं है, ये इंडिया में भी, मेरी आधी फैमिली इंडिया में है और वो भी जर्नलिज्म में ही है, और वो यही कहते हैं। अभी मेरी जो कज़न है उस पर इंडिया में मुकदमा कायम हुआ उसका, और वो यही कहती है कि मेरे जो बड़े कज़न हैं उन्होंने, उनकी अभी एक किताब इंडिया पे आई है द मुस्लिम वैनिशेस, और वो अमेज़ॉन पे नंबर वन बेस्ट सेलर है, और उन्होंने न्यूज़ रूम से जो है वो पिक किया उस चीज़ को कि न्यूज़ रूम में डिस्कशन हो रही है कि मुसलमान कहाँ चले गए, और वो पूरी बहुत अच्छी हेल्दी डिबेट है जो 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 भारत में बहुत मुश्किल है उस चीज़ पर उस तरह लिखना, लेकिन वो लिखा किताब उन्होंने लिखी और वो बहुत हेल्दी। तो वो भी यही बताते हैं। और एक हमारे ही साथी हैं लाहौर में फारूक सुलेरिया, उन्होंने एक किताब लिखी है मीडिया इम्पीरियलिज्म इन इंडिया एंड पाकिस्तान, और वो बहुत रिसर्च बेस्ड बुक है कि किस तरह कॉर्पोरेट कल्चर ने दोनों मुल्कों में मीडिया को कंट्रोल कर दिया है, और अब जो है वो अगर इश्तिहार और खबर का फैसला करना पड़े तो इश्तिहार डोमिनेट कर जाता है। तो इसीलिए आप देखें कि डॉन का एक ज़माने में एक स्टैंडर्ड था कि इतने फ्रंट और बैक पेज और पेज टू, इसके बारे में पॉलिसी थी कि इसमें इससे ज़्यादा इश्तिहार नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब फाइनेंशियल क्राइसिस की बात की जाती है, ये सारी बातें करके जो है आप देखें बाद अकात, तो अब तो आप जंग वगैरह में देखें तो इश्तिहार ऐसे प्रेजेंट होता है जैसे खबर है। तो ये जो चीज़ है ये वही है कि रियासती बयानियाँ डोमिनेट कर गया, मीडिया को इन्फ्लुएंस कर गया, और मीडिया अपने कमर्शियल इंटरेस्ट की वजह से, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट की वजह से, और एडिटर का इदारा ख़त्म होने की वजह से मीडिया इस वक्त सवाल पजीर है, और यही सबसे बड़ा मीडिया का चैलेंज है। कोई आप लोगों का सवाल हो? बहुत बुनियादी किस्म का सवाल है, आपकी पूरी गुफ्तगू मैंने नोट किया है, पॉइंट आउट किया है। क्या मुझे पानी पड़ा ये आपने मीडिया में बदलाव की जो बात की कि मीडिया का काम सही खबर पहुंचाना था, ये काम नहीं था कि उतना मीडिया का ये काम है कि वो कोई बयानियाँ क्रिएट करे, तो ये जो आज का हमारा मीडिया है बिलखसूस प्राइवेट जो चैनल्स हैं, और हर चैनल एक अलग बयानी पर खड़ा हुआ है और नया बयानिया वो आवाम को दे रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे जो मीडिया मालिकान हैं वो कंप्रोमाइज हो गए हैं, या कोई फाइनेंशियल मसाइल है उनकी वजह से ये उस तरफ चले गए हैं, ये जो बदलाव आया है इसकी बुनियादी वजह क्या है? दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि रियासत ने मीडिया को करप्ट करने की पॉलिसी लियाकत अली खान के ज़माने में, और इसकी मिसाल ज़मीर नियाज़ी साहब ने अपनी किताब में लिखी है कि जब लियाकत अली खान अमरीका के दौरे पर जा रहे थे तो जो उर्दू के सहाफ़ी थे उर्दू अखबारात के, उनके लिए शेरवानी सिलवाई गई, और जो अंग्रेज़ी के सहाफ़ी थे उनके लिए सूट सिलवाया गया, और इस पर लड़ाई हुई, यानी जो उर्दू अखबारात के लोग थे उन्होंने कहा जी हमारे लिए सूट क्यों नहीं सिलवाया गया, किसी ने इनकार नहीं किया,
ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ऐसे जर्नलिस्ट नहीं रहे, ऐसे जर्नलिस्ट भी रहे हैं जो अपनी मौत, अपने इंतकाल तक लांडी के क्वार्टर में रहे हैं। ऐसे जर्नलिस्ट भी रहे हैं कि जो कॉपी पेस्टर थे, लेकिन रात को वो अपने घर इसलिए नहीं जा सकते थे कि 12 बजे के बाद बस बंद हो जाती है, और वो वही और उधर ही लेटे लेटे एक मरतबा उन्होंने मशरक अखबार में उसी रात कैनेडी के मर्डर की खबर आई तो उन्होंने सुर्खी तब्दील करके वो सुर्खी लगाई, हालांकि उन्हें जर्नलिज्म का वो नहीं था, तो कॉपी पेस्ट करते, लेकिन चूंकि एक सियासी जहन रखते थे तो उन्हें अंदाजा था कि इस खबर की अहमियत क्या है। और एक बहुत ही एस्टैब्लिश जर्नलिस्ट कई साल बाद अमेरिका में ओलंपिक्स या हॉकी का वर्ल्ड कप कवर कर रहे थे ओलंपिक, तो वहां अमेरिका में धमाका हो गया तो उसने खबर नहीं दी, उसने कहा जी मैं तो स्पोर्ट्स का जर्नलिस्ट हूं। तो ये आपका पॉलिटिकल आउटलुक होना इसलिए जरूरी होता है। तो यहां जो मसला हुआ कि जब तो प्रिंट में उन्होंने दो पॉलिसीज अपनाई रियासत ने, कैरेट एंड स्टिक, कि पहले इन्फ्लुएंस करो, नवाजो, अगर मान जाते हैं तो क्या कहने, और अगर रिजिस्ट करते हैं तो फिर स्टिक, इश्तहारात बंद कर दो, इश्तहारात को कंट्रोल कर लो। तो वक्त के साथ साथ कुछ अखबारात ने इस चीज को रिजिस्ट किया, लेकिन वक्त के साथ साथ अखबारात कॉम्प्रोमाइज कर गए और इश्तहार डोमिनेट होता गया। आप अगर हुकूमत की तारीफें कर रहे हैं तो आपको इश्तहारात दबा के मिल रहे हैं, यहां आपने हुकूमत पर तनकीद शुरू की वहां इश्तहार रोक दिए गए। टेलीविजन जब आया तो उसका मॉडल बहुत खराब, फाइनेंशियल मॉडल, और वो फाइनेंशियल मॉडल में सबसे बड़ी खराबी ये थी कि एक तो पाकिस्तान उस वक्त 24/7 चैनल के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि 6 घंटे की पीटीवी की ट्रांसमिशन की आदत थी लोगों को, 6 घंटे की ट्रांसमिशन होती थी, उसके बाद बढ़ा दी गई, लेकिन वो जाहिर है नेशनल टेलीविजन से स्टेट कंट्रोल टेलीविजन बन गया। तो जब 2001 में ये पॉलिसी बनाई गई, इनिशियली 2000 में आई थी, फिर उसके बाद 2001 में, तो उसमें मैं उस वक्त मैंने जाके बाद में जब 2002 में ये ARY और जियो शुरू हुए तो उस वक्त भी उन पर कंट्रोल था कि उनकी अपलिंकिंग की फैसिलिटीज जो है वो नहीं दी जा रही। ये बात उस वक्त के वजीर तलाक जो आज भी लीडर हैं शेख रशीद ने एक मरतबा मुझे बताई कि जी जियो को NOC नहीं दिया जा रहा था उस वक्त भी, तो उन्होंने कहा मैं खुद फिर जो है वो जाके मिला, और एक जनरल साहब का उन्होंने नाम लिया कि वो नहीं थे उस वक्त, तो मैं जाके उनकी वालदा से मिला, और उनकी वालदा ने उनके बकौल उनकी वालदा ने फोन किया उस अपने बेटे को कि तू तो होगा नहीं, मैं मर जाऊंगी तो ये मेरा जनाजा उठाएगा, तो तू इसकी फाइल ना रोक इसकी। तो इस तरह इस रियासत जो है वो टेलीविजन शुरू होने के लाइसेंस दिया करती, क्योंकि अब दुबई में 2007 में जब पाबंदी लगी थी दुबई में भी उन्होंने कहा था कि आप इनको निकाल दें, बाकायदा वो सर्कुलेट भी हुआ था वो चीज। फिर मीडिया के जो ओनर्स थे उस वक्त उसमें क्रॉस मीडिया ओनरशिप भी थी, जिसमें वो लोग जो अखबार भी निकालते हैं और टेलीविजन भी, उस वक्त जो PFUJ ने जाके पोजीशन ली थी और मैंने जाके पार्लियामेंट्री कमेटी में पूरी प्रेजेंटेशन दी थी, मैंने कहा आप क्रॉस मीडिया ओनरशिप की हिमायत करके इस मुल्क में मोनोपोलीज क्रिएट कर रहे हैं, फिर उन मोनोपोलीज की बुनियाद पे वो एजेंडा सेट करेंगे और ये क्लेम करेंगे कि जी हमने हुकूमतें बनाई हैं और हमने हुकूमतें गिराई हैं उसमें। लेकिन उस वक्त किसी भी जमात ने, हालांकि पार्लियामेंट्री कमेटी में तो सारी जमातें बैठ गई, किसी ने हमारे मौकिफ की उस वक्त हिमायत नहीं की, आज सब हमारे मौकिफ की हिमायत करते हैं उसमें। फिर फाइनेंशियल मॉडल ये बना के एंकर्स ड्रिवन इंडस्ट्री बन गई, और एंकर्स ड्रिवन इंडस्ट्री बनने से ये हुआ कि एंकर जो है उसकी पोजीशन इतनी मजबूत हो गई कि जो उसका प्रोड्यूसर है वो भी मारे डर के उसको करेक्ट नहीं करता कि ये आप
क्योंकि उसकी नौकरी उससे लेंगे, वो निकाला जाता है तो वो कहीं और चला जाता है। फिर डायरेक्टर न्यूज जो कि दरअसल चैनल का फेस होता है और अगर आप उस लिहाज से देखें तो एडिटर होता है, उसकी तनख्वाह एक एंकर से कम होती है। तो ये जो डिस्पैरिटी थी इसने मीडिया इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। कुछ थोड़ा बहुत फर्क तो समझ में आता है कि जाहिर एडिटर की पोजीशन और होती है, न्यूज एडिटर की और होती है, लेकिन अखबार में एडिटर, न्यूज एडिटर, सिटी एडिटर, सब एडिटर, इनके दरमियान कोई बहुत वास्ट वो नहीं होता, चंद हजार का फर्क होता होगा, लेकिन ये नहीं होता कि कहीं 15 लाख और कहीं 50 हजार। ये जो फर्क था इसकी वजह से हुआ ये कि एक जो कि गलत कॉन्सेप्ट है कि एक खलीज पैदा हो गई रिपोर्टर्स और एंकर के दरमियान। आज रिपोर्टर ये क्वेश्चन करते हैं कि जी एंकर साफ ही नहीं होता, ये एक वो होता है, हालांकि ये दुरुस्त नहीं है। हर वो आशक सहाफी है जो सहाफती काम कर रहा है, माँ सिवाय इसके कि अगर वो पार्ट टाइम कर रहा है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि कल जंग में खबर थी कि सिंध में कोई 140 ऐसे एम्प्लॉई निकाले गए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी थे और सहाफत में भी थे, उसमें क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है ना कि आप उस अखबार को, अपनी तहरीर को, या अगर टेलीविजन पे हैं आप उसको अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप PFUJ का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें और उसका कोड ऑफ एथिक्स पढ़ें तो उसमें यहां तक लिखा है कि आप जब नौकरी, आपको एक से ज्यादा नौकरी नहीं करनी चाहिए, इवन सहाफत के अंदर ये नहीं हो सकता कि आप एडिटर भी हैं, आप ब्यूरो चीफ भी हैं, आप वो भी हैं, इसलिए कि आप दूसरे की नौकरी पर कब्जा कर